प्रवेश हो गया हमारे घर में वो इन इंद्रियों की वजह से हो गया। चलिए गुलामी जो हमारी है वो इंद्रियों की गुलामी नहीं होगी, बिल्कुल हो गई। लेकिन याद रखना, जिसको तुम इंद्रियां कह रहे हो वो तो पाइप की तरह हैं, जिनसे कि इनपुट भीतर आता है, बाहर से कुछ है, और ये सब समझ लो सड़कें हैं जिनसे हो करके वो भीतर आता है। वो भीतर जब आता है तो उसको क्या अर्थ देते हो, उसके साथ क्या इच्छाएं जोड़ लेते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। सुख सुविधा तुम बोलते किसको हो ये देखना पड़ेगा ना। सुख क्या एक चीज है? यहां इतने लोग बैठे हैं, मैं इनसे कहूं बताओ सुख क्या है, क्या सब एक बात बताएंगे? तुम जिसको सुख भी कहते हो वो परिभाषा किसने दी तुमको? क्या वो भी अपनी है या किसी चार्ट वाले ने दी है? बताओ तो, उदाहरण दे रहा हूँ चार्ट वाले से ही संबंधित। एक बच्चा एक ऐसे घर में पैदा होता है जहाँ तला भुना बहुत नहीं खाया जाता, एक बच्चा ऐसे घर में पैदा होता है जहाँ लगातार तला भुना तामसिक और मांस ही खाया जाता है। ये जो पहला बच्चा है ये 10 साल का होगा, ये किस तरह के खाने में सुख मानेगा ना? जिसकी परवरिश ऐसे घर में हुई है जहाँ पे हल्का खाना बनता है, ये कैसे खाने में सुख मानेगा? हल्के खाने में। और जो दूसरा बच्चा है वो कैसे खाने में सुख मानेगा? तो तुम्हारी सुख की परिभाषा कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रही है ना, उसमें तुम्हारा अपना क्या है? कुछ है जो असली है वो तो तुम्हारा अपना ही है। और यही तो बड़ी अजीब बात है कि करोड़ों का अरबों का अपना होते हुए भी हम दो दो रुपए के लिए बाहर भटक रहे हैं। अभी हो सकता है तुमको ये बात ही बड़ी अविश्वसनीय लगे कि तुम्हारे पास करोड़ों अरबों का कुछ है, नहीं यकीन हो रहा ना, नहीं हो रहा ना, तुम भूल गए हो बस इसलिए यकीन नहीं हो रहा है। या ये कहो कि भूले हुओं ने तुम्हें भी भुलवा दिया है, जिन्हें खुद कुछ याद नहीं था उन्होंने अपने अज्ञानवश तुम्हें भी भुलवा दिया है। देखो हर बच्चा बादशाह ही पैदा होता है, कभी किसी 6 महीने के बच्चे को इस बात पे परेशान होते देखा है कि मेरा रंग सांवला है? देखा है? पर वही बच्चा या वही बच्ची जब 6 महीने से 6 साल की हो जाएगी तो वो रोना शुरू कर देगी कि अरे मैं सांवली क्यों पैदा हुई, उसने अपनी बादशाहत खो दी। 6 महीने की थी वो, थी बादशाह, पूरी रानी थी, 6 साल की जब हुई वो भिखारिन बन गई, अब उसे फेयर एंड लवली चाहिए, वो भीख मांग रही है कि कहीं से गोरा रंग मिल जाए। 6 महीने के बच्चे को भीख मांगते देखा है कभी? उसके माँ बाप भीख मंगवाते तो अलग बात है, पर 16 साल का हर किशोर भीख ही मांग रहा होता है। भीख का मतलब समझते हो? दूसरों से स्वीकृति मिल जाए, दूसरों से अनुमोदन मिल जाए, दूसरे कह दें कि तुम बड़े अच्छे हो। अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, कभी देखना 1 साल का 2 साल का हो, उसे फर्क नहीं पड़ता उसने क्या पहन रखा है, और उसे तुम बहुत कीमती कपड़ा पहना दो कई बार उसको गिरा विरा के उतार के गंदा करके फाड़ वाड़ के भी चल देगा। तुमने उसको 100 रुपए का पहना दिया कुछ या 5,000 का कुछ पहना दिया, इससे उस पर फर्क पड़ते देखा है क्या? पर 6 साल का होते होते जिस बच्चे ने सिर्फ 100 रुपए कपड़े पहन रखे हैं वो भिखारी हो जाएगा। अब वो कहना शुरू कर देगा कि मेरी किस्मत बड़ी ख़राब है। उसे किसने सिखाया ये सब कुछ?
याद रखना वो बादशाह पैदा हुआ था, उसे भिखारी बनाया गया। तुम्हें भी अगर अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि तुम किस तरह बादशाह हो, तो उसका कारण बस एक है कि भूले हुओं ने तुम्हें भी भुलवा दिया है। तुम्हारे भीतर ये भावना बैठा दी गई है कि तुम्हारे भीतर कोई गहरी कमी है। कभी तुमसे कहा गया कि तुम परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं लाते, तुम्हें कोई खोट है। कभी तुमसे कहा गया कि तुम्हारे कारण समाज में हमारी नाक कटती है, तुम्हें बड़ी खोट है। कभी तुमसे टीवी ने कहा कि अरे तुम्हारे पास एक मजबूत शरीर नहीं है, तुम्हारी मांसपेशियां किसी फिल्मी हीरो जैसी नहीं है, तुम्हें कोई कमी है। कभी समाज की ओर से तुम्हें ये बात आई कि अरे तुम कम से कम 40-50 लाख वाली कार में नहीं चलते हो, तुम में कोई कमी है। चारों ओर से तुम्हें यही संदेश दिए जा रहे हैं कि तुम में कोई कमी है, और लगातार इन्हीं बातों को सुनते सुनते तुम भूल ही गए हो कि तुम बादशाह पैदा हुए थे। देखो ना, जिसे जो भी तुमसे काम कराना होता है वो कैसे कराता है, तुमसे ठीक यही कह के कि तुम में कोई कमी है। तुमने कपड़े पहन रखे हैं अभी, किसी दुकानदार को अगर तुम्हें नए कपड़े बेचने हैं तो तुम्हें कैसे बेचेगा? तुम निकलो बाज़ार की तरफ और कोई दुकानदार है, वो चाहता है कि आज ज़रा इसको नए कपड़े बेच दूँ, अपना कुछ मुनाफा कर लूँ, तो नए कपड़े तुम्हें कैसे बेचेगा? क्या बोलेगा तुमको वो? ये तो बाद में बोलेगा कि वो कपड़े बहुत बढ़िया हैं। तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं है, तुम में कोई कमी है। हो सकता है ये बात वो इतना सीधे सीधे ना बोले। एक ब्रांड है, उसका विज्ञापन आता है तो वो बोलते हैं द कंप्लीट मैन। अब अगर कोई तुमसे कह रहा है कि मेरे कपड़े पहन करके तुम कंप्लीट मैन हो जाओगे, तो ध्यान से देखो वो क्या कह रहा है। अभी वो कह रहा है कि जब मेरे कपड़े पहनोगे तो कंप्लीट मैन बनोगे। अभी तुमने उसके कपड़े पहन नहीं रखे तो क्या कह रहा है कि तुम क्या हो? वो तुम्हें गाली दे रहा है, वो कह रहा है तुम इनकम्प्लीट मैन हो। पर तुम इस बात को समझ नहीं पाते। वो लगातार तुम्हारे भीतर ये भावना बैठा रहा है कि तुम्हारे भीतर कोई कमी है। एक बड़ा उत्सव किया जाता है जिसमें कहीं सेलेक्ट होने वालों को या किसी परीक्षा में प्रथम आने वालों को सम्मानित किया जाता है। अब ये भरा हुआ है, यहाँ पर पूरा सम्मान समारोह चल रहा है। कितने लोग हैं जो ऊपर आएंगे सम्मानित होने के लिए? 2, 4, 5। और बाकियों से क्या कहा जाएगा कि ऐसे ही बैठे रहो? और ये दुनिया भर का किस्सा है, इस शहर का, इस देश का और दुनिया के सभी देशों का, कहीं कम कहीं ज़्यादा, पर किस्सा तो यही चल रहा है। चल रहा है कि नहीं? अब ध्यान से बताओ, जो ऊपर आए हैं क्या सिर्फ उनका सम्मान ही किया जा रहा है या नीचे बैठों का साथ ही साथ अपमान भी किया जा रहा है? ध्यान से देखना, कहने को तो वो सम्मान समारोह है, पर वो सिर्फ सम्मान समारोह नहीं है, वो सम्मान के साथ साथ अपमान समारोह भी है। तुमसे कहा जा रहा है कि तुम में कुछ कमी है, अन्यथा तुम भी यहाँ होते। और ठीक यही होता है, नीचे जितने बैठे होते हैं उनमें सब में हसरत उठती है कि काश हम भी। लेकिन व्यवस्था कुछ इस तरह की है कि सब यहाँ हो नहीं सकते। अगर 50 लोग कोई परीक्षा लिख रहे हैं तो उसमें प्रथम कितने लोग आ सकते हैं? एक। जो बाकी हैं उनकी नियति क्या है? उन्हें नीचे ही बैठना पड़ेगा। तो पक्का कर लिया गया है कि तुम्हारे भीतर एक हीन भावना भर ही दी जाए, तुम्हारे भीतर एक सतत बेचैनी मौजूद रहे, लगातार तुम बेचैन बने रहो कि कहीं कुछ खोट है, तुम शांत न होने पाओ।
व्यवस्था पूरी ऐसी बना दी गई है, लगातार तुम्हारी तुलना की जाए, अरे ये क्या, इसकी आंखें ठीक नहीं हैं, ये क्या, इसकी गणित ठीक नहीं है, ये क्या, ये उतना दौड़ नहीं पाता, ये क्या, इसकी ऊंचाई उतनी अच्छी नहीं है, ये क्या, अरे उसका उस खास परीक्षा में चयन नहीं हुआ, ये नाच नहीं पाती, कुछ ना कुछ तुम में दोष लगातार निकाला ही जाए। यदि वो दोष सिर्फ सतह पर निकाला गया होता तो कोई उसमें गड़बड़ नहीं थी। ध्यान समझना, दिक्कत तब होती है जब सतह के दोषों को तुम्हारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह बना दिया जाता है। कोई गणित में अच्छा नहीं है ये बात समझ में आती है, और यहाँ तक भी ठीक है कि ऐसी स्थितियाँ पैदा की जाएं जिसमें वो गणित को बेहतर जान सके, लेकिन यदि उससे ये कह दिया जाता है कि तू गणित में ठीक नहीं है इसलिए तेरा जीना ही व्यर्थ है, तो ये बात समझ में आने वाली नहीं है। और दुर्भाग्य से हमारी व्यवस्था ऐसी ही है जो हमसे कहती है तू इंजीनियर नहीं बन पाया, तेरा जीना बेकार, तेरी इतने की नौकरी नहीं है, तेरा जीना व्यर्थ है। नहीं, जीना कभी व्यर्थ नहीं है। ठीक है, गणित नहीं आती, अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम गणित सीखना चाहेंगे, पर गणित सीखें या ना सीखें, हम बादशाह हैं। सीख ली तो भी बादशाह हैं, और नहीं सीख पाए तो भी हैं। गलती तब होती है जब हमसे कह दिया जाता है कि सीख लिया तो बादशाह और नहीं सीखा तो भिखारी। वो गलत है, वो बहुत गलत है। बेशक सीखो, लेकिन परिणामों पर मत जाओ, पूरा जोर लगाओ, जो करना है उसमें पूरी ताकत लगा दो, लेकिन परिणामों को मत देखो। ये मत कहना कि मैं कहाँ तक पहुँचा, मेरा कद क्या है, मेरी हैसियत क्या है, ये परिणाम पर निर्भर करता है। नहीं, परिणाम पर नहीं निर्भर करता। देखो, जब मैं आया तो मैंने कहा कि सवाल लिखो। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास सवाल नहीं है, अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम में से ज़्यादातर लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ बोला है, बोला है कि नहीं बोला है, किसी ने एक अक्षर, किसी ने पांच अक्षर, तो तुम्हारे पास बात करने के लिए, बोलने के लिए तो था ही, पर फिर भी तुम लिख नहीं रहे थे, तुमने अभी तक नहीं लिखा। जानते हो क्यों नहीं लिखा? बात बस वहीं पर आ जाती है, हीन भावना। और अगर तुम हीन होते तो हीन भावना का कुछ औचित्य भी था। तुम हीन हो नहीं और तुमने जबरदस्ती हीन भावना पकड़ रखी है। हो तुम बादशाह और तुमने जबरदस्ती अपने आप को भिखारी समझ रखा है। ये त्रासदी है। तुम डरते हो कि सवाल पूछूंगा तो सर क्या कहेंगे और लोग क्या कहेंगे, और सर और लोग की तो फिक्र तुम एक बार को छोड़ भी दो, अपनी फिक्र तो तुम छोड़ ही नहीं पाते। तुम्हें ये लगता है कहीं मैं अपनी ही नज़रों में ना गिर जाऊं। दो तरह की गुलामी याद है ना, पहली कौन सी और दूसरी? तो तुम कहोगे कि चलो सर ने भरोसा दिला दिया है कि मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, ठीक है सर की नज़रों में नहीं गिरूंगा, लेकिन मैंने ऐसा घटिया सवाल पूछा तो कहीं अपनी ही नज़रों में ना गिर जाऊं। अभी जो अपनी ही नज़रें हैं, क्या वो अपनी हैं? नहीं, वो चाट वाले की हैं, भूलना नहीं चाट वाले को। और जो चाट वाला है वो बड़ा भैरूपिया है, वो करोड़ों रूप लेके बैठा हुआ है। चाट वाला कौन? जो ही तुम्हारे मन में इच्छाएं जगाए वही चाट वाला, जो ही तुम्हारे मन को विचारों से भर दे बिल्कुल वही चाट वाला।